तो हे वॉरियर्स, मैं हूँ के आर और आज हम बनाएंगे एक ऑटोमेटिक बाम्बू फार्म, उसी के साथ एक ऑटोमेटिक शुगर कैन फार्म और एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आपके दोनों फार्म फास्ट फास्ट और बहुत ही तेजी से काम करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो बस दिल थाम के बैठ जाओ और अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे ऑटोमेटिक बाम्बू फार्म, उसके लिए दो वुड लगा दिए कुछ इस तरीके से, फिर 5 ब्लॉक का गैप छोड़कर फिर से 2 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट रख देंगे, ये वाली ब्रिक कर देंगे, इसका कोई भी काम नहीं है। अब इस चेस्ट के अंदर फनल करता हुआ एक हॉपर लगा देंगे कहीं पर भी। उसके बाद हम हॉपर के साइड में कुछ इस तरीके से स्टोन ब्रिक लगाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम स्टोन ब्रिक के ऊपर जो है रेल डाल देंगे, ये वाली रेल नहीं डालनी, इसको ब्रेक कर दो। उसके बाद हॉपर के ऊपर भी रेल डालनी है यहाँ पर एक स्टोन ब्रिक। उसके बाद यहाँ पर जो है स्टोन ब्रिक लगाते हुए चलो, कौन सा भी ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर रेस्टोन टॉर्च लगा दी जिससे कि हमारे रेल को पावर मिल गई। ऊपर हम डर्ट ब्लॉक लगा देंगे जिसके ऊपर हम बांबू लगाएंगे। तो फाइनली ये कंप्लीट होते हुए आया, यहाँ पर एक स्टोन ब्रिक लगा देंगे। अब जो है हम इसको कवर कर देते हैं। तो कवर ने किया, दो कॉलम खड़े कर लिए दोनों साइड की तरफ। अब यहाँ पर हम ग्लास लगा देते हैं और ग्लास से कवर करते हैं। तो फाइनली कंप्लीट हो गया ग्लास से कवर करना। उसके बाद अब करना क्या है, पीछे से स्टोन ब्रिक लगा दो जिससे कि हमारा फार्म पीछे से कवर हो जाए। अब यहाँ पर भी स्टोन ब्रिक की एक लाइन लगानी है। अब यहाँ पर बांबू लगाना है डर्ट ब्लॉक के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पिस्टन लगाने हैं। पिस्टन लगाने के बाद पिस्टन के ऊपर हमें ऑब्जर्वर्स लगाने हैं, तो देख लो कुछ इस तरीके से लगा दो। और फिर पिस्टन के पीछे कुछ इस तरीके से ब्लॉक लगा दो और उस ब्लॉक लगाने के बाद उसके ऊपर जो है रेस्टोन डाल दो। अब ये फिनिश हो गया, ऊपर से कवर कर देते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मल वुड लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टोन ब्रेक नहीं, यहाँ पर तो सबसे पहले वुड से कवर कर देते हैं। और अब यहाँ पर हम लाइट सोर्स लगाएंगे, तो रेस्टोन लैम्प का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक लीवर लगा देंगे, यहाँ पर एक इसी लीवर से इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो फाइनली ये कम्प्लीट हो गया। लेकिन यार यहाँ पर तो मैंने माइनक्राफ्ट विद रेल डाली ही नहीं, तो सबसे पहले माइनक्राफ्ट विद रेल डाल लेते हैं और ग्लास से कवर कर लेते हैं। द नेक्स्ट स्टेप, तो फाइनली हमारा फार्म अच्छे से काम कर रहा है और आई थिंक वो चेस्ट के अंदर भी बांबू कलेक्ट हो रहे होंगे, तो चलो देखते हैं। तो यस, ये काम कर रहा है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले फार्म की तरफ जो है ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भूमि पूजन हो गया कंप्लीट। अब करना क्या है, यहाँ पर एक वुड ब्लॉक लगा देते हैं। उसके बाद 5 ब्लॉक का गैप छोड़ के 6 ब्लॉक के ऊपर फिर से एक वुड ब्लॉक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। उसके बाद यहाँ पर एक स्टोन ब्रिक, यहाँ पर एक स्टोन ब्रिक और यहाँ पर एक स्टोन ब्रिक और उसके ऊपर एक स्टोन ब्रिक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसे लाइन बना लेते स्टोन ब्रिक की और यहाँ पर हम चेस्ट रख देंगे जिसके अंदर हमारे शुगर केन कलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम ब्रेक कर देते हैं। वाह क्या सीन है। तो मैंने फाइनली वहां पर लगा दिया, यहाँ पर भी रेल लगानी है, तो यहाँ पर क्राउच कर मैंने रेल लगा दी। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टोन ब्रेक लगा देते है, यहाँ पर एक टॉर्च और यहाँ पर एक माइनक्राफ्ट विद हॉपर। तो बस ऊपर ग्रास ब्लॉक लगा देंगे, यहाँ पर एक ग्लास ब्रोक, यहाँ पर स्टोन ब्रिक और यहाँ पर ब्रिक कर यहाँ पर एक स्टोन ब्रिक। उसके बाद हमें वाटर के लिए सोर्स जगह बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ब्लॉक लगा देंगे। उसके नीचे भी कुछ इस तरीके से ब्लॉक लगाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ब्लॉक क्यों नहीं लग रहा, तो ये यहाँ पर इस टॉर्च की वजह से ब्लॉक नहीं लग रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टॉर्च को ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पर एक स्टोन और इस तरफ से आकर इसको लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देंगे और कुछ इस तरीके से फिर से ऊपर ब्लॉक लगाते हुए चलेंगे और ये वाली यहाँ पर 2 ब्लॉक लगेंगे और यहाँ पर 2 ब्लॉक लगाएंगे। अब ये हम डिक कर सकते हैं और इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल लिया और यार तो चलो फाइनली कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पानी डालना रह गया, यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो चलो ये इतना तो हो गया, अब बस हमें इसको कवर करना पड़ेगा। तो ऊपर जो हम वाटर को मैं कवर कर लेता हूँ और वाटर का यहाँ पर हम अब पिस्टन लगाएंगे। तो इस तरीके से पिस्टन लगाने के बाद ऊपर हम ऑब्जर्वर्स लगाएंगे और वही पुरानी टेक्निक, यहाँ पर ब्लॉक लगाकर उसके ऊपर हम रेडस्टोन ब्लॉक लगा देंगे, सॉरी रेडस्टोन डस्ट लगा देंगे। अब इतना तो हो गया, अब हमें करना क्या है, शुगर केन लेना है, यहाँ पर शुगर केन लगा देना है। चलो देखते हैं काम करता भी है नहीं, शुगर केन लग नहीं रही, आई थिंक उसको ऊपर जाकर लगाना पड़ेगा।
तो ये फार्म भी काम कर रहा है। अब इसको मुझे कवर करना पड़ेगा, तो चलो सबसे पहले कवर कर लेता हूँ। यहाँ पर ग्लास लगा देंगे। तो फाइनली मैंने बहुत सारा कवर कर लिया है, इस तरफ से भी ऊपर से भी कवर कर लिया है। अब मुझे ऊपर कुछ इस तरीके से ये वाले ब्लॉक लगा देते हैं, जिससे कि अंदर उजाला बना रहेगा, और यहाँ पर भी मैं ग्लास से कवर कर देता हूँ। तो फाइनली हमारा फार्म रेडी है। अब हम एक चलो देखते हैं काम कर रहा है या फिर नहीं। हमारा आइडिया लगता है मुझे फेल हो गया, तो नहीं ये फेल नहीं हुआ है, ये फार्म काम कर रहा है। तो चलो, और रही बात हमारे ट्रिक की, तो ट्रिक ये रही, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर आपको जाना पड़ेगा रैंडम टिक स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो बढ़ा दो और फिर आपके फार्म फास्ट काम करना स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, गुड बाय, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।